हे ब्यूटीफुल्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है जया की दुनिया में। सो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके साथ जल्दी से शेयर हो जाए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है जया की दुनिया, सो प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो है एक फेशियल रिव्यू जो कि इंस्टेंट ग्लो के बारे में बात करता है। ये है मेरा पहले का फेस, जब मैं फेशियल करने से पहले का फेस दिखा रही हूँ आपको। सो ये है अरोमा मैजिक की स्किन ग्लोइंग फेशियल किट और इसमें है 7 स्टेप। कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आती है और इसमें हल्की सी शिमर लगी हुई है। ऊपर से इसे एक पैक किया गया है पिन्नी से। सो पैकेजिंग की बात करूँ तो ओवरऑल ठीक है, अच्छी है। और प्राइस की बात करूँ तो ये है 175 रुपये की, यानी कि 175 रुपये की ये आपको मिलती है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी purple.com से। और इस अरोमा मैजिक के बहुत सारे फेस वॉश और फेस क्रीम भी आते हैं जो विटामिन सी भी हैं, बहुत सारे हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इस फेशियल के बारे में। सो पहले इसकी जो पैकेजिंग है, फेशियल है, वो थोड़े से डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि जो इसका 4th स्टेप है वो थोड़ा सा इंजेक्शन टाइप का सा है तो थोड़ा लगा। दूसरा, इसमें ब्लीच दिया गया है, वो भी थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसा कैसे हो गया सो चलिए, ओवरऑल इसमें पूरे 7 स्टेप हैं, फेस पैक है, मसाज है, ओवरऑल ये पूरा जेल फेशियल होता है आपका। और ये 1 टाइम यूज़ के लिए ही काफ़ी है बस, और इससे ज़्यादा आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ग्लो की भी बताऊंगी कि ये कितना ग्लो देता है, कितना क्या करता है, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो इसका जेल है वो पहला, जो हम जो क्लेंजरिंग कर रहे थे, तो जैसे कि हम फेस वॉश से फेस वॉश करते हैं वैसे पूरे मुंह पे बबल्स हो गए थे, झाग हो गए थे। तो एक टाइप का फेस वॉश टाइप का सा ये मुझे लग रहा था, ऐसे क्लेंजर ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था। दूसरा, इसका अगर इसके अगर रिज़ल्ट की बात करूँ, क्लेंजरिंग के अगर रिज़ल्ट की बात करूँ, तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। मतलब आपकी अच्छे से स्किन को साथ ही साथ नरिशिंग कर रहा था, मॉइस्चराइज कर रहा था, उसके बाद आपकी स्किन पे ग्लो ला रहा था। तो इसका क्लेंजर मुझे बहुत पसंद आया और इसके बाद का ग्लो आप देख सकते हैं, पूरी डर्ट पॉल्यूशन ख़त्म हो जाती है। दूसरा स्टेप था ब्लीच तो ब्लीच के लिए यहाँ पे हमें ब्लीच बनानी थी, पाउडर इसमें दिया गया था और मैंने इसमें यहाँ पे नॉर्मल वाटर का यूज़ किया था। आप चाहें तो रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नॉर्मल वाटर का यूज़ किया था। ब्लीच को घोलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इतना इजीली नहीं घुल रहा था और अच्छे से इसमें बहुत सारी गांठें भी हो गई थी। लगा लिया था मैंने जैसे तैसे, अपने फेस पे पूरा बह रहा था। और ये है वो लगाने के बाद का फेस। इसे लगाने के बाद जब ये सूख गया था तो मेरा फेस इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था, बेहद ज़्यादा ड्राई हो गया था। तो ये सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल भी इसे यूज़ ना करें, पहली बात। और तीसरे स्टेप में थी मसाज जेल, तो वो भी मैंने कर ली थी। चौथे में था ये सिरिंज वाला, तो इसे तोड़ना है, अपने फेस पे इसका सीरम लेना है। याद रखें, इसमें हल्के से भी इसके कांच नहीं जाने चाहिए। और फिर था ये, इससे भी अपने फेस की आपको मसाज करनी थी। तो ओवरऑल मुझे इसका क्लेंजर बहुत अच्छा लगा था, बाकी इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा बेकार था। स्किन को ड्राई कर रहा था, डल कर रहा था, मतलब फेशियल करते करते पहली बार मैंने ऐसे देखा था जो स्किन को बहुत ज़्यादा डल कर रहा था। तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी ये बिल्कुल भी नहीं आया था। अगर इसके फाइनल रिज़ल्ट की बात करूं तो इसके बाद मेरा फेस एकदम चिपचिपा और बहुत ज़्यादा डल हो गया था। इसका सिर्फ मुझे क्लेंज़र अच्छा लगा और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ड्राई स्किन वाले बिल्कुल यूज़ ना करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय।